अंबेडकर राइट नाम लगाने से कोई अंबेडकर राइट नहीं हो जाता। अंबेडकर वादी होने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। बाबा साहब ऐसी कोई झोला छाप के जैसे पढ़ाई नहीं करते थे। उस आदमी ने इतना अध्ययन किया है हर चीज का, तुम कुछ भी कह लेते। और उस दिन मेरे को किसी ने एक रील भेजी, बोले छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो गागा भट्ट ने अपने लेफ्ट पैर के उंगली से उनके अंगूठे से उसका राज्याभिषेक किया। अरे कुछ भी कुछ तथ्य है तुम्हारी बातों में, कुछ सत्य है। मैं तुम लोगों को विद प्रूफ चीजें बता सकता हूँ कि क्या हुई थी। मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। चार बखर मिलती है। बखर यानी क्या होता है कि उस समय के हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो होते हैं उसे हम बखर कहते हैं। चार बखर, सबसे पहली बखर आती है तुम्हारी, एक आती है तुम्हारी भोसले बखर, ठीक है। एक आएगी तुम्हारी भोसले बखर, एक आएगी तुम्हारी सारांश बखर, उसके बाद में आएंगी तुम्हारी चित्रगुप्त बखर, ठीक है। और एक बखर फिर से आती है तुम्हारी कौन सी है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, शेड़गांवकर बखर। एक आती है तुम्हारी शेड़गांवकर बखर। इन बखर के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज को जो राज्याभिषेक हुआ था उसके लिए जिस व्यक्ति ने प्रेरणा दी थी वो स्वयंभू गागा भट्ट थे। और इसके बहुत जगह पे चांसेस भी बनते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से भागे थे 1666 में। एस्केप ऑफ आगरा होता है 1666 में, छत्रपति शिवाजी महाराज का एस्केप ऑफ आगरा है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में जब आगरा से भागे तो वो काशी भी गए थे। तो काशी में जाने के बाद गागा भट्ट काशी के पंडित थे, लेकिन गागा भट्ट जो थे, गागा भट्ट के गुरु नासिक में रहा करते थे। नासिक में गागा भट्ट के गुरु थे तो नासिक में आना जाना उनका चलते रहता था। और नासिक के पास में ही अगर आप देखोगे तो एक गुफा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे आपको पता होगा तो आप मुझे बताना, वहां पे रामदास स्वामी यानी समर्थ रामदास उनकी गुफा थी, तो वहां पे वो उनसे भी मिला करते थे। तो नासिक में आते वक्त ये समर्थ रामदास से बहुत बार मिलते थे और शिवाजी महाराज का इनका परिचय बहुत पहले से था। अब क्रोनोलॉजी को आप समझो कि 1669 में जिस समय पे औरंगजेब ने काशी का मंदिर तोड़ा, उसके बाद गागा भट्ट ने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को कई तरह से विनवनी की कि आप राज्याभिषेक करवा लीजिए, क्योंकि राजा होना उस समय में बहुत बड़ी बात होती थी। अब दूसरी बात, उस समय का असली पंडित अगर कोई रहे होंगे ना, जो ये झोला छाप के जैसे नहीं, असली धर्म पंडित कोई रहा होगा तो गागा भट्ट था। इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। बात दूसरी ये हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या बॉर्न क्षत्रिय थे? कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्षत्रिय ब्राह्मण या वैश्य नहीं होता, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का कुल क्या था, क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज क्षत्रियों में भी सबसे बड़े क्षत्रिय है, सीधी बात है, क्षत्रिय कुलावतम से है ना यार। अब दूसरी चीज मैं तुमको एक बात बताता हूं, शिवाजी महाराज ने आगरा में रहते हुए सबसे बड़ी हुल ये दी थी मिर्जा राजे को कि बेटा हम भी जो है वो सिसोदिया खानदान के हैं। और ये हुल थी, ये सच्चाई नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि शिवाजी महाराज का राजपूतों के साथ में कोई संबंध है या नहीं है, तो शिवाजी महाराज का राजपूतों के साथ में कोई संबंध नहीं आता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब गागा भट्ट महाराष्ट्र आए और महाराष्ट्र में आने के बाद वो शिवाजी महाराज के पीछे खुद लगे थे, तो शिवाजी महाराज ने भी उनको बाद में बुला लिया। ये संभव है कि वो जब आगरा से भागे होंगे तो उस समय पे गागा भट्ट ने बात उनके कान पे डाली होगी। अब गागा भट्ट स्वयं ये कहते हैं कि मतलब उनका एक भट्ट काव्यम करके किताब है, उस किताब में भट्ट वंश काव्यम करके किताब है, उस किताब में गागा भट्ट ये कहते हैं कि मुझे जो प्रेरणा मिली कि राजा का राज्याभिषेक हो जाए वो मिली थी समर्थ रामदास से। और स्वामी समर्थ और गागा भट्ट ये एक्चुअल में असली पंडित थे जो वर्ण आश्रम को नहीं मानते थे कि वर्ण आश्रम पद्धति जन्म से होती है। अगर वो जन्म से माने होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए समर्थ रामदास कभी कविता ही नहीं लिखते कि निश्चयाचा महामेरु भावत जनांसी आधारु अखंड स्थितिचा निर्धारु श्रीमंत योगी। शिवाजी महाराज को उन्होंने राजा कहा है, पहले कह दिया है। उनके लिए कर्म महत्वपूर्ण थे ना, जन्म महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी चीज, शिवाजी महाराज जिस समय पे राजा करके लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ राज्याभिषेक नहीं हुआ था लेकिन उसके पहले राजा कहना शुरू कर दिया था, तो शिवाजी महाराज का उपनयन नहीं हुआ था, तो उपनयन संस्कार भी गागा भट्ट ने करवाया। दूसरी चीज, अब कई पंडित विरोध भी कर रहे थे, झोला छाप होंगे सारे के सारे। ओरिजिनल कौन था? गागा भट्ट। ओरिजिनल कौन थे? समर्थ रामदास। इनको मालूम था शास्त्र क्या होता है। ओरिजिनल कौन था? बाजीराव बल्लाड़। ये सब ओरिजिनल है, ये सब झोला छाप जातिवादी, इनको हटाओ। दूसरी चीज, वहां पे ये खुद आए और शिवाजी महाराज को याद आया कि मैंने हुल दी थी कि मैं तुम्हारे वंश से हूं, तो उस समय पे एक वंशावली बनाई गई जानबूझकर
ताकि लोगों के मन में असहमति ना फैले। अब मैं आपको उसका तथ्य देता हूं कि राजपूतों से संबंध कैसा नहीं है। 1334 का वो दिखाया जाता है कि 1334 में सिसोदिया के खानदान से कोई तो सिंह, दिलीप सिंह या कोई तो कुछ तो नाम था, ही केम, और शिवाजी महाराज का जन्म दिया जाता है 1630 का, यानी कि 300 साल का टाइम स्पैन है। और इस 300 साल के टाइम स्पैन में शिवाजी महाराज को 18वीं पीढ़ी बताई जाती है, 18th। अगर हर एक व्यक्ति, मैं क्या कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में, फिर से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, हर एक व्यक्ति 18 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 18 अगर बच्चा पैदा करता है, हर एक व्यक्ति अगर 18 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है, यानी कि 18 साल के ये थे, इन्होंने बच्चा पैदा किया, फिर इसका बच्चा जब बड़ा होगा 18 साल का, इसने दूसरा किया, इसका होगा तो 18 साल का, तो ऐसी 10 पीढ़ी जब निकलेगी तो 180 साल में, गिन के 180 साल में सिर्फ 10 पीढ़ियां होंगी। इस बात को समझो, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आगे की 20 पीढ़ी करने के लिए तुमको 360 साल लगेंगे, ठीक है। अब इस 360 में से अगर तुम -18 -36 कर रहे हो, 360 में से -36 यानी कि 18वीं पीढ़ी बोल रहे हो ना तुम, माइनस अगर 36 कर रहे हो तो 360 में से अगर 30 जाते हैं, यानी कि तुम्हारे 330 और 324, तो 324 सालों में आपको हर किसी को 18-18 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके 18वीं पीढ़ी निकल के आएंगी। लेकिन ये चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आज 350 साल के बाद में अभी भी शिवाजी महाराज की जो अभी करंट पीढ़ी चल रही है 350 साल के बाद, वो शायद 14वीं पीढ़ी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, 13, 14 या 15 में से कोई एक पीढ़ी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बात यह है कि शिवाजी महाराज ने ये जबरदस्ती वंशावली बनाई थी क्योंकि लोगों का विरोध ना हो। अब समझ में आ रहा है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति यदि जन्म से नहीं होता, उसके कर्म से वो ब्राह्मण या क्षत्रिय बन सकता है। इसीलिए शिवाजी महाराज भी वंश परंपरा वाले नहीं थे। ये परंपरावादी भी ढोंगी है, और ये अंबेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं ये भी नकली है, क्योंकि अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे भाई। तो राज्याभिषेक जो हुआ, इसके पीछे प्रेरणा एक तो गागाभट्ट ने खुद दी थी, या समर्थ रामदास ने शिवाजी गागाभट्ट के दिमाग में डाला था कि इस लड़के का राज्याभिषेक करवाओ, ये बहुत जबरदस्त राजा है। दूसरी चीज कि शिवाजी महाराज के वो गुरु थे या नहीं थे, बचपन से वो गुरु नहीं थे। क्यों? इसका भी मैं उदाहरण देता हूं, क्योंकि शिवाजी महाराज को बहुत बाद में उनके लेटर्स रिसीव होना शुरू हुए जब उन्होंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहला लेटर उनको ऐसा कहते हैं कि रिसीव हुआ था जब अफजल खान सवारी करके आ रहा था, उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन जो लिखा गया है कि निश्चयाचा महामेरू बहुत जनांसी आधारू अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी, महाराष्ट्र धर्म राहिला तुम्हा कारणे, आपके वजह से ये महाराष्ट्र धर्म बच के रहा है। कौन सा गुरु ये कहता है कि आपके वजह से बच के रहा है, आप महान है, आप श्रीमंत योगी? कौन से गुरु अपने टीचर के, अपने स्टूडेंट की ऐसी तारीफ करेगा? उन्होंने कहा कि आपके वजह से बचा, आप महान हो, आप जबरदस्त हो, ये उनका कहना था। ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड, ओके। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका शिवाजी महाराज से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, बहुत समय पर कॉन्टैक्ट था, बहुत जगह पर उनका कॉन्टैक्ट था, संभाजी महाराज ने भी बहुत जगह पर उनका उल्लेख किया है। वो वर्णाश्रम पद्धति को नहीं मानते थे। अब आप इस बात को समझो, शिवाजी महाराज का उपनयन बचपन में नहीं हुआ था, उनका उपनयन बाद में करवाया गया, क्योंकि ये क्या कह रहे थे, उपनयन नहीं हो तो राजा कैसे बनेगा, वहां पे शास्त्रार्थ हुआ है। किसने शास्त्रार्थ किया है? गागाभट्ट ने। तो भैया ऐसे पंडित को तो हम सर पे बैठा के ना चाहेंगे, झोला छाप को तो सर पे उठा के फट पे पटक देंगे, ऐसे नकली अंबेडकरवादी हट, ये देश तोड़ने के काम कर रहे बाबू। जो सच है उसको सच बोलने की ताकत रखता है भारतवंशी, और जो झूठ है उसको झूठ बोलने की ताकत रखता है भारतवंशी। सीधी बात है भाई, तुम सबूत लाओ, सबूत के आधार पे बात करो। दूसरी चीज, शिवाजी महाराज का उपनयन नहीं हुआ था लेकिन शादियां हो चुकी थी। अब जो कि शादियां हो गई और उपनयन नहीं हुआ तो तुम्हें ब्रह्मचर्य भंग करने का आदेश मिल जाता है, तो उस पर भी उन्होंने शास्त्रार्थ दिया है। और धर्म यही कहता है, शिवाजी महाराज की अगर झूठी पूरी की पूरी फैमिली का वंश निकाला होगा कि वो सिसोदिया खानदान से थे, अगर वो झूठ होगा तो राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो झूठ सबसे पुण्य और सत्य से भी बड़ा है, यही सत्यता है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है धर्म को बचाने के लिए अगर झूठ कहा जाए तो वह अधर्म नहीं होता। सीधी सीधी बात है बाबू, ऐसी बात है, समझे? तो ना शिवाजी महाराज ये फालतू परंपरावादियों में थे, ना रामदास स्वामी थे, ना गागाभट्ट थे। सीधी बात है, अंबेडकर आज भी पोंगावादी है और ये भी पोंगावादी है, परंपरावादी। सीधा सीधा मुंह पे कह रहा हूं मैं, जो है सच है।